हाय हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 रेसिंग गेमों के बारे में। गाइस, यहाँ पे मैं बाइक्स और कार्स दोनों के ही रेसिंग गेमों के बारे में बात करूंगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। गाइस, यहाँ पे जो गेमों के बारे में मैं बात करूंगा वो मतलब मैं जो नंबरिंग करूंगा वो मैं रैंकिंग के हिसाब से नंबरिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे जो भी गेम दिखाए जाएंगे सभी गेम्स टॉप नोट्स और हाई ग्राफिक्स का है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, मुझे 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए आप लोग हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मिलती रहेगी इसी तरह से नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जब हम लोग रेसिंग गेमों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो गेम हम लोगों का माइंड में आते हैं वो है नीड फॉर स्पीड। नीड फॉर स्पीड एक वर्ल्ड फेमस सीरीज है और वर्ल्ड फेमस गेम बनाता है नीड फॉर स्पीड। नीड फॉर स्पीड का जो पुराने गेम था लाइक नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, वो बहुत ही फेमस था और बहुत लोगों ने शायद उसको खेला है और मैंने भी उसको पर्सनली खेला था और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था उस गेम को खेल के। सो गाइस, इसीलिए मैं सबसे पहले नंबर पे जो गेमों के बारे में बात कर रहा हूँ वो है नीड फॉर स्पीड हीट। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे ओपन वर्ल्ड मिलेगा और आप लोग यहाँ पे नई नई कार्स वगैरह को चला सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पे रियलिस्टिक फील मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे मॉडर्न टाइप का जो भी कार है जैसे कि फरारी, बुकाटी, लेम्बोर्गिनी टाइप्स की जो कार है वो सभी कार्स को आप लोग इस गेम में चला सकते हैं। जब आप लोग इस गेम को प्ले करेंगे तो आप लोगों को रियलिस्टिक टाइप्स का जो फील है वो फील होगा। इसका ग्राफिक्स क्वालिटी देख के आप लोगों को नहीं लगेगा कि ये एक गेम है, आप लोगों को लगेगा एक ये रियल में आप लोग यहाँ पे कार चला रहे हैं। सो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये गेम खेल के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा गेम आता है वो देखते हैं। इस सीरीज का सेकंड नंबर पे जो गेम आता है वो है प्रोजेक्ट कार्स 3। प्रोजेक्ट कार्स का जो गेम है उनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, वो पूरी वर्ल्ड में बहुत ही फेमस रेसिंग गेम बनाता है। प्रोजेक्ट कार का जो भी सीरीज है वो शायद आप लोगों ने पहले खेला ही होगा। प्रोजेक्ट कार्स 3 जो गेम है वो फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है और इसका कंट्रोल्स क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इस रेसिंग गेम में आप लोगों को आसपास की जो सीज देखने मिलेंगे वो सभी सीज आप लोगों को रियल टाइप लगेगी, क्योंकि ये फिलहाल ही लॉन्च हुआ है और इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से रियलिस्टिक फील देने के लिए बनाया गया है। इसलिए आप जब इस गेम को खेलेंगे तो आप लोगों को रियलिस्टिक फील होगा। आप लोग यहाँ पे मॉडर्न टाइप का ऑल कार्स चला सकता है, फरारी, बुकाटी, लेम्बोर्गिनी टाइप्स का जो भी कार्स है वो सभी आप लोग इस गेम में चला सकते हैं। गाइस, आप लोगों को ये गेम खेल के बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप लोग रेसिंग गेम का दीवाना है तो इस गेम को एक बार खेल के ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे जो रेसिंग गेम आता है वो है फोर्जा होराइजन 4। फोर्जा होराइजन का जो भी सीरीज आता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार गेम लेके आता है। फोर्जा होराइजन 4 भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिंग गेम है। यहाँ पे आप लोगों को ओपन वर्ल्ड देखने मिलते हैं और एक बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन देखने मिलते हैं। यहाँ इस गेम में आप लोगों को देखने मिलेंगे डिफरेंट टाइप का स्टोरी मतलब रेसिंग मोड और स्टोरी मोड दिखने मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट टाइप का कार्स वगैरह भी चला सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे क्लासिक और मॉडर्न टाइप का दोनों ही कार आप यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ का इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो तो बहुत मज़ेदार है ही और आप लोगों को रियलिस्टिक फील भी देगा। यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा स्टोरी लाइन देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेसिंग गेम बनाया गया है वो स्टोरी को बेस्ट करके बनाया गया है। इसलिए अगर आप लोगों को स्टोरी के बीच में रेसिंग करना पसंद है तो ये गेम आप लोग डेफिनेटली खेल के देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलता है और यहाँ पे आप लोग ट्रैक में भी कार्स को चला सकते हैं। सो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। गाइस, आप लोगों को तो सुपर बाइक चलाना पसंद ही होगा, इसलिए अगला जो गेम है जो जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो गेम बाइक रेसिंग के ऊपर है। गाइस, फोर्थ नंबर पे जो गेम आता है वो है मोटर जीपी 2020। ये एक बाइक रेसिंग गेम है। अगर आप लोगों को सुपर बाइक चलाना पसंद है तो आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
इसमें आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक करियर मोड मिलता है जिसमें आप लोगों को ट्रैक के ऊपर सुपर बाइक्स को मतलब सुपर बाइक्स की रेसिंग करना है। आप लोगों को अगर सुपर बाइक की रेसिंग ट्रैक में करना है, करना पसंद है, तो आप लोग इस गेम को ट्राई कीजिए। इस यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा ग्राफिक्स क्वालिटी और कंट्रोल्स क्वालिटी मिल जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप का बाइक चला सकते हैं और यहाँ पर आप लोग को जो स्टोरी लाइन दिखाया जाता है, मतलब जो करियर मोड दिखाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों का एक रेसिंग के बाद दूसरा रेसिंग का जो अपग्रेड है वो आप लोगों को देखने मिलेंगे और आप लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ट्रैक में रेसिंग कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज का 5 नंबर पर जो गेम आता है वो है द क्रू 2। इस गेम में आप लोगों को डिफरेंट टाइप का रेसिंग देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग बाइक रेसिंग भी कर सकते हैं, एरोप्लेन रेसिंग भी कर सकते हैं और कार्स रेसिंग भी कर सकते हैं। इस गेम में मल्टीपल रेसिंग मोड है और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ जगह पर ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा और कुछ कुछ जगह पर आप लोगों को मतलब ट्रैक्स मिलेगा जहाँ पे आप लोग बाइक रेसिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एक ही गेम में मल्टीपल रेसिंग करना पसंद है तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस गेम में आप लोगों को जो ग्राफिक्स क्वालिटी दिखाया जाएगा वो बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छा है और रियलिस्टिक का जो एनवायरनमेंट है वो रियलिस्टिक फील आप लोगों को इस गेम में देखने मिलेंगे। आप लोग इस गेम को जो स्टोरी लाइन है वहाँ पे भी खेल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मूड है वहाँ पे भी आप लोग खेल सकते हैं। सो गाइस, आप लोग डेफिनेटली इस गेम को ट्राई करके देखिए, क्योंकि इस गेम में आप लोगों को मल्टीपल जो रेसिंग है वो दिखने मिलता है। सो गाइस, इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करिए और मुझे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कौन सा गेम आता है वो देखते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को मिलती रहेगी इसी तरह से नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज का 6 नंबर पे जो गेम आता है वो है एसेस्ट्रो कोर्सा। गाइस, ये एक ट्रैक रेसिंग गेम है। आप लोगों को अगर सुपर कार्स ट्रैक में रेसिंग करना पसंद है तो आप लोग इस गेम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ट्रैक्स देखने मिलेंगे जहाँ आप लोग डिफरेंट टाइप का कार्स लेके रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत लोगों के साथ रेसिंग कर सकते हैं और आप लोग ट्रॉफी भी जीत सकते हैं यहाँ पे रेसिंग करके। आप लोग यहाँ पे रैंकिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का रेसिंग करके। आप लोगों को यहाँ पे एक करियर मोड मिलेगा जहाँ आप लोग रेसिंग करके आप लोगों का जो करियर है वो अपग्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ग्राफिक्स क्वालिटी के बारे में बताओ तो आप लोग देख ही रहे हैं इसका कितना अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी है और कंट्रोल्स क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार डेफिनेटली ट्राई करके देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कौन सा गेम आता है वो देखते हैं। गाइस, आप लोगों को खराब मौसम में गाड़ी चला के कैसा लगता है, मतलब आप लोगों को रेसिंग करके कैसा लगता है? गाइस, नेक्स्ट जो मैं गेम बताने वाला हूँ उसमें आप लोगों को खराब मौसम में ही रेसिंग करना है। सो गाइस, 7 नंबर पे जो गेम आता है वो है ग्रिड रैली 2.0। गाइस, यहाँ पे आप लोगों को खराब मौसम मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को रेसिंग करना है। गाइस, यहाँ पे आप लोग जब रेसिंग करेंगे तो आप लोगों का जो कार होगा वो बहुत ही स्लिप करेगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से कंट्रोल करके यहाँ पे आप लोगों को चलाना होगा। यहाँ पे गाइस, आप लोगों को साफ साफ रास्ता भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मौसम ख़राब होगा और बारिश हो रहा होगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से कंट्रोल करके गाड़ी को चलाना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोगों को अगर ख़राब मौसम में रेसिंग करना पसंद है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा गेम है और इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको खेलेंगे तो आप लोगों को जो रियलिस्टिक फील है वो आप लोगों को देखने मिलेगा और आप लोगों को सचमुच ऐसा लगेगा कि आप लोग बारिश में ही गाड़ी चला रहा है और रेसिंग कर रहा है। तो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। इस सीरीज का 8 नंबर पे जो गेम आता है वो है F1 2018। गाइस, F1 का जो गेम है और जो सीरीज है उनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा वो कितना अच्छा होता है। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप का ट्रैक्स मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को ट्रैक के ऊपर रेसिंग करना है।
यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप का कार्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये F1 का ही है और F1 कार से आप लोग यहाँ पे चला सकते हैं। इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है और कंट्रोल्स क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को करियर मोड मिलेगा और आप जब रेसिंग को कम्प्लीट करते जाएंगे तो आप लोगों का जो करियर मोड है वो भी अपग्रेड होते जाएंगे और डिफरेंट टाइप का आप लोगों को रेसिंग करने मिलेंगे। सो गाइस, आप लोगों को अगर F1 कार चलाना पसंद है और F1 का जो रेसिंग है वो पसंद है तो इस गेम को आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कौन सा गेम आता है वो देखते हैं। गाइस, इस सीरीज का सेकेंड लास्ट पे जो गेम आता है वो है ड्राइव क्लब। गाइस, आप लोगों को अगर खराब मौसम में गाड़ी चलाना पसंद है तो आप लोग इस गेम को डेफिनेटली ट्राई करिए क्योंकि मैं एक गेम का बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ और इस गेम में भी सेम है, आप लोगों को खराब मौसम में गाड़ी चलाना है और इस गेम में आप लोगों को रात में भी गाड़ी चलाने के लिए मिलेगा जहाँ पे खराब मौसम होगा और आप लोगों को रात में गाड़ी चलाना होगा और रेसिंग करना होगा। सो गाइस, आप लोगों को अगर रात में खराब मौसम में गाड़ी चलाना पसंद है तो इस गेम को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप का स्टोरी मोड देखने मिलेंगे और यहाँ पे आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने मिलेंगे। इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो तो बहुत ही अच्छा है ही और इसका जो कंट्रोल क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। इसका जो स्टोरी है वो भी बहुत अच्छा है और स्टोरी के बीच में ही आप लोगों को रेसिंग करना है। सो गाइस, आप इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। गाइस, इस सीरीज का लास्ट टाइम 10 नंबर पे जो गेम है वो है ट्रैकमैनिया टर्बो। गाइस, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रेसिंग गेम है। ये मतलब एक फ्यूचरिस्टिक रेसिंग गेम है। जितना भी गेमों के बारे में अभी तक मैंने बताया है उससे थोड़ा अलग है ये गेम। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप का ट्रैक्स मिलेगा और डिफरेंट टाइप का जगह मिलेगा जहाँ आप लोग रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रेसिंग कार्स वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी कार मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है और इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो रेसिंग है वो आप लोगों को मतलब फ्यूचरिस्टिक रेसिंग दिखाई देगा, इसीलिए इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा और लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा आपको दिखने मिलेंगे। इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है और कंट्रोल्स क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को अगर फ्यूचरिस्टिक जो रेसिंग गेम है वो पसंद है तो आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। सो गाइस, आज का जो सीरीज है वो यही खत्म होता है। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। गाइस, मैं बहुत ही मेहनत करके रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सहायता कीजिए मुझे। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप लोगों का थोड़ा सहायता से मुझे हेल्प मिल जाएगी और मुझे हिम्मत मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, इसलिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए मुझे। सो गाइस, आज के लिए बाय बाय।